सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, एक स्टोन है 1 किलोग्राम का, इज थ्रोन विद द वेलोसिटी, तो मास हमें दिया है 1 किलोग्राम, एम इज गिवन, एम विल बी यूज इन लास्ट पॉइंट, एम इज गिवन, एम इज द 1 किलोग्राम, एंड द वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन, द 20 मीटर पर सेकेंड, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक, एक फ्रोजन सरफेस है लेक की, बर्फ जमी हुई है, एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग, एक सरफेस पे, बर्फ की सरफेस पे आपने एक जो है स्टोन को स्लिप किया और वो कुछ दूरी तय करके सब ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो एस इज इक्वल टू 50 मीटर, और वो रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्लियर हो गया क्या हुआ, हमने एक स्टोन को बर्फ पे स्लिप किया और वो कुछ दूरी तक गया और वो 50 मीटर जाने के बाद रुक गया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इसका मास भी हमें दिया है, मास इज 1 किलोग्राम, ठीक है, तो मास इज 1 किलोग्राम, तो u इज इक्वल टू 20, v इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 50, देन आई कैन अप्लाई द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2as, या यू कैन ऑल्सो राइट दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, नो प्रॉब्लम, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एज यू नो एज आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है लास्ट चैप्टर में, वी स्क्वायर ए हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा यहाँ से, और एक्सेलरेशन फाइंड होने के बाद -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यानी कि ये लगातार रिड्यूस कर रहा है स्पीड, क्योंकि जब एक्सेलरेशन माइनस में होता है इट इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन, तो ये रिटार्डेशन है और स्पीड घटती जा रही है, हमने देखा स्पीड फाइनली 0 हो गई, तो यहाँ पे कितना फोर्स काम में आया, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन, मास इज 1 एंड द एक्सेलेशन इज -4, तो द फोर्स विल बी -4 न्यूटन, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द -4 न्यूटन, इट मींस दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस साइन यहाँ पे केवल ये बता रहा है कि फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है।